बिफोर वीडियो ये ऐसा वाला था, देखिए इधर ना मेरे को बोर्ड नहीं निकला इसलिए इसे हैंडल से निकाला मैं, आपको बता रहा हूँ मैं आफ्टर वर्क देख बता रहा हूँ। ये किया मैंने बफिंग के बाद लेफ्ट वाला, और इसको मैं बफिंग करने के बाद क्लियर किया था वो नहीं सूखा, और सूखने के बाद और शाइन आएगा। बफिंग करने का तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा, मैं वीडियो में तो नहीं बोलूंगा सिर्फ एडवाइस दूंगा। इसको पूरा कलर हटा दीजिए, कलर हटाने के बाद ये वाला व्हील ग्राइंडर को अटैच कीजिए, इससे ग्राइंडिंग करने से ये बड़े बड़े दाग से चले आएंगे और स्मूथनेस आएगा। स्मूथनेस आने के बाद आप 600 पेपर से अच्छा खास रबिंग करना पड़ेगा, वाटरप्रूफ 600 पेपर ले लेके अच्छा साफ करने से छोटे छोटे दाग से और लकीर चले जाएंगे। उसके बाद कंपाउंड ले लीजिए, कंपाउंड ये ग्राइंडर को फिट करना, ये व्हील ये क्या है वूल रबिंग व्हील है ये, इसे आप कंपाउंड अप्लाई करके रबिंग करने से ग्लास को शाइनिंग आ जाएगा। एक बार दो बार तीन बार आप जितना शाइनिंग हो सके उतने बार रबिंग कर ले सकते। ओके थैंक यू बाय। और आपको कंपाउंड ये लिक्विड वाला है, मैंने इसे यूज़ कर रहा हूँ, ये बार है ये भी यूज़ कर सकते आप, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखो ऑनलाइन से मंगाया मैंने, तकरीबन 300 रुपये तक है इसका कॉस्ट, ये आके 193। अब ये लास्ट में लगा के बफिंग करने से, वूल पैड से बफिंग करने से आपको ग्लास कोट आएगा। थैंक यू।